राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी सांभर, और सांभर को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने का सीक्रेट भी बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो सांभर बनाने के लिए मैंने ले ली है आधा कप अरहर की दाल, जिसको मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ कद्दू, और अब इसमें जाएगा कटा हुआ शिमला मिर्च, और अब इसमें जाएगा टमाटर, गाजर, गोभी, प्याज, लौकी, बैंगन, आलू, हरी मिर्च, एक गिलास भर के पानी, सब्जियां ऑप्शनल हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास सहजन की फली है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मतलब ड्रम स्टिक भी उसको बोलते हैं, तो अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ सांभर बनाने का। और इस तरीके से सांभर बनाएंगे तो टेस्टी भी बहुत लगती है और समय भी कम लगता है, कोई झंझट भी नहीं होती है। तो अब इन सारी चीज़ों को मैंने गैस पे रख दिया है, और अब इसमें मैं लगा दूँगी लो फ्लेम पे, 2 से 3 सीटी लगा दूँगी। उसके बाद मैं खोल के देखूँगी कि सब्ज़ियाँ कैसी पकी हैं, और पानी भी अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो आप उसे बाद में गर्म करके पानी मिला सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी कम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे सीटी लग चुकी है, चलिए अब खोल के देखते हैं हमारा सांभर कैसा है। सांभर हमारा एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है, जैसा कि हमें चाहिए था। बट इसमें थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, तो मैं पानी ऊपर से थोड़ा सा खौला के डाल दूँगी, क्योंकि अभी ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये मैश करूँगी तो फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा सांभर, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल दूँगी। वैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल खाना नहीं चाहते हैं, बट अगर आप सांभर खिलाएंगे बच्चों को तो वो खुशी खुशी खा भी लेंगे, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कितनी सारी सब्जियां हमने डाल रखी हैं। तो बच्चों को सब्जियां खिलाने का मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है, तो मैं तो कभी कभी बना दिया करती हूँ। तो चलिए सांभर हमारा रेडी हो गया है, अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने लिया है करी पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, सरसों, कटा हुआ लहसुन, हींग, तो चलिए तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी चने की दाल। सरसों, करी पत्ता, सूखी खड़ी लाल मिर्च, उसके बाद मैं इसमें हींग डाल दूंगी। तड़का हमारा अच्छे से पक हो चुका है, और अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। अभी इसमें एक चीज़ की कमी और है, वो मैं दिखाती हूँ आपको आगे। और अभी मैं आगे आपको एक सीक्रेट भी बताऊँगी, जिससे कि आप सांभर को और भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है इमली, और उसको गर्म पानी में भिगो दिया था, अब इसको छान लेंगे। अब मैं इस इमली वाले पानी को सांभर में डाल देती हूँ, आधा कप पानी है ये। तो पहला सीक्रेट तो ये है कि इमली, अगर आप सांभर बना रहे हैं तो उसमें इमली का ही आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा टेस्टी बनती है,
और लास्ट सीक्रेट ये है कि जो ये काला नमक होता है ना, ये अगर आप डाल देंगे सांभर में तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। बट इसमें घर का बना हुआ ही होना चाहिए काला नमक, वो रेडीमेड वाला नहीं होना चाहिए, जो हम लोग घर पे पीसते हैं वो वाला होना चाहिए, तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सांभर मसाला। ये होममेड सांभर मसाला है, इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। ये था सांभर बनाने का सबसे आसान तरीका। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।